हेलो फ्रेंड्स, आज हम आसान तरीके से पॉम पॉम बनाना सीखेंगे। हमने इसके लिए ये पेंसिल लिया है। अब इस पेंसिल पे हम ऊन को लपेटेंगे इस तरह से। सबसे पहले इस तरह से ले लेंगे, इसको ऐसे टाइट पकड़े रहेंगे, फिर इस पे ऊन को ऐसे लपेटते जाएंगे और इसको ऐसे सरकाते जाएंगे। इसमें जितना बड़ा या छोटा पोंपा बनाना है उस हिसाब से ऊन को लपेटते जाएंगे। अभी हम इसको बड़ा बनाएंगे तो ऐसे सरका के पूरे पेंसिल पे अच्छे से लपेट लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइट इसको नहीं लपेटेंगे, नहीं तो ये इस तरह से सरकेगा नहीं। इसी तरह से पूरी पेंसिल में अच्छे से भर लेंगे। ये पूरी पेंसिल में अच्छे से ये इस तरह से भर लिया है। अब भरने के बाद हम इसको यहाँ का जो है ऊन इसको इस तरह से उतार लेंगे और इसे दोनों को पकड़ लेंगे। ये निकलना नहीं चाहिए इसमें से। फिर आराम से धीरे धीरे इसको पेंसिल से निकालेंगे। इसको ध्यान रखना है, इससे पकड़े रहना है, नहीं तो हमारा पूरा खुल जाएगा। फिर अब ये जो है इसमें ये सिंगल जो बचा है इसको इसके बीच से इस तरह से निकाल लेंगे। निकाल करके इसको इस तरह से सीधा करते हुए इस तरह से फिर इसको धीरे धीरे इसे टाइट कर लेंगे। हमारा ये ऊन जो है ये नहीं खींचना चाहिए, नहीं तो ये सारा खराब होता जाएगा। बस ये इसको खींचना है आराम से, धीरे धीरे इसको इस तरह से करके टाइट कर लेना है, पूरा अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। नहीं तो जब हम इसको कटिंग करेंगे तो ये सारे ऊन इसमें से निकल जाएंगे। आराम से इसको खूब अच्छे से, यहाँ पे गैप नहीं रहना चाहिए बीच में, अच्छे से इसको टाइट कर लेना है। हमारा ये टाइट हो गया। अब इस जो ये ऊन बचा है इसके साथ इसको गांठ लगा देंगे, इस तरह से टाइट करके गांठ लगा देंगे। अब इस ऊन को हम यहाँ से काट देंगे। काटने के बाद अब इसको कैंची से पूरा गुलाई में सब पूरा काट लेंगे, इससे हमारा ऊन वेस्ट कम होता है। एक भी हमारा धागा छूटना नहीं चाहिए, पूरे को ऐसे इसी तरह से काट लेंगे। अब इसमें से हमने ये सारे काट लिए हैं। अब जो थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है ये इसको भी हम काट लेंगे, पूरा काट करके बराबर कर लेंगे। इसमें जितना बड़ा या छोटा बनाना है उस हिसाब से हमें धागा लपेटना पड़ता है। अब इससे भी ज़्यादा और उस पर लपेट सकते हैं, और बड़ा बनाना है तो और ज़्यादा उस पर धागा लपेट सकते हैं। अब इसको हम इस तरह से रोल कर लेंगे, ऐसे गोल कर। अब एक आधा जो अभी भी बड़ा है उसको भी इस तरह से काट लेंगे। ये हमारा पोंपोम बन गया है। इसको हम दो कलर से ही बना सकते हैं। दो कलर से अगर बनाना हो तो इस पेंसिल पे आधा धागा एक कलर से और आधा दूसरे कलर से ऐसे लपेट लेंगे। अगर हमें इसको मल्टी कलर में कई कलर में बनाना है तो कई कलर का धागा एक साथ लेकर के लपेट लेंगे। आप जिस कलर का चाहे बना सकते हैं, जैसे हमने ये कई कलर के बना रखे हैं। इस तरह से पेंसिल पे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाता है। देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। अगर आपको हमारे पॉम पॉम